देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मायके में रह रहे शादीशुदा 22 वर्षीय महिला ने पड़ोसी युवक पर जबरदस्ती रेप करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने आप बीती अपने परिजनों को बताई। उसके बाद पीड़िता और परिजन शिकारपुर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के घर दबिश दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बताया गया है कि पीड़िता 4 माह की गर्भवती शादीशुदा है जो कि अपने मायके में घर में अकेली थी। पीड़िता की मां पशुओं को चारा लेने के लिए खेतों पर गई हुई थी। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से हुआ फरार। के साथ क्या घटना हुई? घर पर आई, चारा ले गई घास, और घर पर मेरे कोई ना हो, घर पर लड़की मेरी पक गई और घर अंदर ले हुआ हाथ पकड़ के जब जाती छोरी घर पे ही पीटता लोग। 4-3 महीने आई आके और छोरी क्या इस घटना की सूचना पुलिस को दिया आपने? हाँ दिए, बताइए। आप लोग थाने आए हैं? थाने आए हम। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? क्या कहा है पुलिस ने आपसे? करेंगे कार्रवाई और उठाऊंगी बात। गई पुलिस, भला किन्ने लौटा दी पुलिस। वैसे में भलवारी ना है, कोई ना होगा। तकरी मेरी मायके आई है, मायके यहाँ रह रही है और यहाँ पर इलाज कर लो। जब तक तीज छोरी पकड़ ले जाना और घर पे कोई ना हो और किवार की कुंडी लगा लें लड़की कल तो उठी ना। पुलिस को ना है क्यों? पुलिस आपके गांव गई है? गांव गई, लौट आई पुलिस। असमत लौटने वाला गांव का घर पड़ोसी रहने वाला बताया जा रहा है।